All at last, it's symmetry past papers video number 2, starting from November 2015 paper 2-1. The question says, the shaded triangle drawn on the grid is part of a quadrilateral with one line of symmetry. The area of the quadrilateral is twice the area of triangle. Given that the line of symmetry is not vertical, complete the quadrilateral. अब ये दो बातें जो है ना बड़ी बच्चे को कंफ्यूज कर रही हैं. क्यों? जब हम ये पढ़ते हैं कि वन लाइन ऑफ सिमेट्री है तो हमारे दिमाग में फौरन जो शेप आता है दैट शेप इज़ काइट. ऑलराइट. लेकिन साथ ही साथ एग्जामिनर ने ये कह दिया कि लाइन आपकी वर्टिकल नहीं है. जब लाइन वर्टिकल नहीं है तो काइट नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास काइट का शेप होता है उसकी जो लाइन होती है हमारे पास सिमेट्रिकल वो तो ऐसी बनती है. तो ये वाला शेप आपका काइट तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ये बात कह दी है कि आपकी जो लाइन है वो वर्टिकल नहीं है. दूसरी बात, उसने एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली है कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका एरिया ट्वाइस होगा जो आपका ट्रायंगल का एरिया. तो अभी जो मेरा ट्रायंगल बना हुआ है उसका मैं एरिया अगर निकालूं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट. ये हमारा फॉर्मूला होता है. इसकी बेस हमारे पास है 1, 2, 1, 2, 3. 3 यूनिट्स इसकी बेस है और इसकी हाइट क्या है मेरे पास 1 यूनिट. तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है हमारे पास 3/2. आपके पास कंडीशन ये है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज़ 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हम बनाएंगे उसका एरिया हमारे पास 3 होना चाहिए. तो हम ये एंड पे वेरीफाई भी कर लेंगे. ठीक है बेटा, अब आते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. क्योंकि जब लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास वर्टिकल नहीं हो सकती तो अब कैसे बनेगी? अब यहाँ पर एग्जामिनर आपको देखें हिंट दे रहा है. अगर मैं यहाँ पर एक लाइन कनेक्ट करना स्टार्ट करूँ तो आपको नज़र आएगा कि सारी लाइन हमारे पास डायगनल से जा रही है पास होते हुए. ठीक है, इसका मतलब है ये वो लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना था. जो आपका ये पॉइंट है इसका रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर आ चुका है. अब बताएं कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा? तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन आएगा आपके पास इस वाली जगह पर. ठीक है ना, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पर. तो अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो मेरे पास ये लाइन ऐसे बन जाएगी. ठीक है, और ये मेरे पास बन जाएगा ऐसे. तो ये एक आपके पास आइसोसेलिस ट्रेपीजियम आ चुका है. ठीक है ना, आइसोलिन ट्रेपीजियम का नाम होता है इसका. ये आपका शेप बन चुका है जिसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. अब आप इसको वेरीफाई करें तो इसका ज़रा एरिया निकालते हैं. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो यहाँ पर जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक साइड ये है दैट इज़ 1 और एक साइड मेरे पास ये है दैट इज़ 2 यूनिट्स. राइट, तो मैं लिखूँगा 1+2 और इसकी जो हाइट है, हाइट कितने यूनिट्स है आपके पास? 2 यूनिट की इसकी हाइट है. तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ अगर तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना आ रहा है? 3 यूनिट्स, जो कि हमारा आना चाहिए था. इसका मतलब है ये आपका क्वाड्रिलेटरल है. ये आंसर है आपका बेटा, प्रूव भी कर दिया हमने. ठीक है, आगे पार्ट पर आते हैं. द शेडेड ट्राइंगल ड्रॉन ऑन द ग्रिड इज पार्ट ऑफ अ शेप हुज एरिया इज 4 टाइम्स द शेडेड एरिया एंड रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 अबाउट एम. कंप्लीट द शेप. वो आपसे ये कह रहा है कि आपने एक ऐसा शेप बनाना है जिसका एरिया इसका 4 टाइम. मतलब अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो ऐसे आपके पास 4 ट्राइंगल होने चाहिए, लेकिन रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर 4 है और आप कहाँ से रोटेट कर रहे हो? उसको एम से रोटेट कर रहे हो. तो जब ये पहली बार रोटेट होगा तो ये आपको कैसा नज़र आएगा? तो देखें, अब मैं इसको एम से अगर रोटेट करूँगा तो पहली दफ़ा रोटेट करने पर मुझे कुछ ये ऐसा नज़र आएगा कि ये ऐसे बन जाएगा फर्स्ट टाइम पर. ऑलराइट, ये ऐसा बनेगा फर्स्ट टाइम रोटेशन पर, ये ऐसा बन जाएगा. ठीक है, अब मैं इसको फिर से रोटेट करूँगा तो ये कैसा बनेगा? अब ये आपके पास 2 यूनिट इधर जाएगा और 1 यूनिट ये इधर आएगा. क्योंकि एम से रोटेट करना है तो इस बात का ख्याल रखिएगा ये सेकेंड टाइम हो जाएगा. अब मैं इसको फिर से रोटेट करूँगा अगर, तो जब मैं फिर से रोटेट करूँगा तो ये 2 साइड मेरे पास ऊपर आ जाएंगी, एक लेंथ यहाँ पर, और ये आपका शेप बन जाएगा. अब ये आपका सेम शेप है, 4 दफ़ा बना है तो इसका एरिया जो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन गया वो एरिया ऑफ 4 टाइम्स हो जाएगा इस ट्रायंगल के एरिया का. और ये आपका सिमेट्री का ऑर्डर भी इसका 4 होगा क्योंकि सेम शेप आपका रोटेट कर रहा है. आंसर हो गया. अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 43, जून 15 पेपर 11. In the diagram, 6 small triangles are shaded. Shade one more small triangle so that the symmetry will have one line of symmetry. अच्छा जी, अब यहाँ पर सिमेट्री की लाइन आपने क्या, कितने बॉक्स शेड करने हैं? आपने खाली एक बॉक्स शेड करना है. ठीक है, चलें जी. अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रही है. ठीक है, मेरे पास इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रही है.
अब मेरे पास इसकी रिफ्लेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैं शेड करूँगा वो शेड मेरा यहाँ पर आएगा, ये मेरा शेडिंग पार्ट होगा, और जो लाइन ऑफ सिमेट्री मेरी पास होगी यहाँ पर वो ये बन रही होगी बेटा। तो आपने चूँकि एक शेड करना था तो ये आपका आंसर हो गया, ये वाली शेडिंग जो मैंने की, ठीक है। नेक्स्ट वन, द डायग्राम बिलो हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री, मेक द सेंटर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विद द डॉट एंड राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अच्छा जी, अब जो आपका सेंटर इस पर नज़र आ रहा है वो ये पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये आपका शेप का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 3। मुझे देखिए नज़र आ रहा है कि ये वाली शेप मेरे पास यहाँ पर आ रही होगी और ये वाली शेप मेरे पास फिर इधर आ रही होगी, तो इसका ऑर्डर मेरे पास 3 चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इट्स क्वेश्चन नंबर 44, नवंबर 15, पेपर 1-2। इन द डायग्राम 7 स्मॉल ट्राइंगल्स आर शेडेड, शेड 2 और मोर स्मॉल ट्राइंगल्स, सो द डायग्राम विल देन हैव रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। आपको कितने शेड करने बेटा, आपको 2 शेड करने, और इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 3 का हो जाए, ठीक है जी। अब ज़रा ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें कि शेडिंग किस पैटर्न पे चल रही है, ठीक है। देखें, एक तो आपका ये ट्राइंगल आपको नज़र आएगा, ऐसा एक ट्राइंगल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है। इस ट्राइंगल में आप देखें, पहले ये शेड हुआ, फिर ये शेड हुआ, इसका मतलब है कि अब इसने शेडिंग होना है। तो पहली चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि पहला मेरा शेड हो जाएगा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, ये तो मेरा ये वाला ट्राइंगल हो गया। अब आप देखें बाहर क्या हो रहा है, ये दो शेड हुए, ये दो शेड हुए, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल शेड होंगे, आंसर होगा उसमें आपका ये वाला ट्राइंगल भी शेड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके 2 ट्राइंगल शेड हो गए और ये आपका इसका आंसर आ गया। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, इन द डायग्राम 10 स्मॉल हेक्सागॉन्स आर शेडेड, शेड 1 मोर स्मॉल हेक्सागॉन सो दैट द डायग्राम विल देन हैव एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑलराइट, एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी हो जाएगी। अब आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से पास कर रही होगी, पहले आपको इसको ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक आपके पास अनशेडेड बॉक्स आ गया, तो आपने इसके हिसाब से लाइन ऑफ सिमेट्री को देखना होगा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार इसको लाइन ऑफ सिमेट्री देखें, इसको पहले हम वेरीफाई करते हैं कि लेफ़्ट साइड बराबर चल रही है। देखें लेफ़्ट साइड बराबर, लेफ़्ट और राइट बराबर, यहाँ भी 2 शेड हुए, यहाँ भी 2 शेड हुए, यहाँ पर एक शेड हुआ, आधा आधा, ये एक बाकी है, इसका मतलब जो हमारी शेडिंग होगी वो इस वाले हेक्सागन पर हो जाएगी। तो मैंने एक को शेड कर दिया और मेरे पास लाइन ऑफ सिमेट्री एक आ गई, ये इसका आंसर है। गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, जून 16, पेपर 1-1, कंप्लीट द डायग्राम टू मेक अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विच हैज़ AC एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑलराइट, तो पहले एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसकी एक लाइन, क्योंकि मुझे एक्यूरेट ड्राइंग चाहिए थी, इसलिए मैंने ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो मेरा बी पॉइंट कैसे मार्क किया जाएगा। मैं बी पॉइंट को देखूं तो अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इससे, अगर ये यहाँ है तो इससे यहाँ होना चाहिए, तो एक रफली मुझे पता लग जाएगा कि मेरा बी वाला पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इस शेप की सिमेट्री कंप्लीट करूँ तो ये शेप मेरे पास कुछ ऐसा नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक काइट बनता हुआ नज़र आएगा, ठीक है ना। तो आपने इसको एक्यूरेट स्केल से रखे, डिस्टेंस अगर आप मेजर करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली एक काइट बनेगी। तो यहाँ पे चूँकि मैंने रफली काम किया है, बट इट विल बी अ काइट। मैं इसको थोड़ा फेयर करता हूँ अभी, एक मिनट मैं इसको थोड़ा फेयर कर लूँ, थोड़ा इसको एक्यूरेट ड्रॉ करूँ, तो मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसी मेरी ड्राइंग बन रही होगी, कुछ ऐसी मेरी काइट बन रही होगी, ये मेरा आंसर है इसका। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, कंप्लीट द डायग्राम टू मेक अ क्वाड्रिलेटरल PQRS विच हैज़ अ रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। अब देखिए ऑर्डर 2 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मैंने बनाना है इसको पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। एक लाइन कोशिश करिएगा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसके पैरेलल बने जो आपके पास QR है। तो ये कुछ मुझे पैरेलल लाइन नजरी है, ठीक है, और अब एक लाइन बनेगी हमारी जो इसको कनेक्ट करेगी। तो पैरेललोग्राम नज़र आना चाहिए एग्जामिनर को, और ये आपका आंसर है, ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा जी, इसको मैं ज़रा फिल कर लूँ, ठीक है। टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, ये सेम ईयर का है, नवंबर 2016 का है।
आ रेक्टेंगल हैज़ अ रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू एंड टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ये आ गया आपका फिल इन द ब्लैंक. शेड फोर मोर स्मॉल स्क्वायर इन द शेप बिलो टू मेक अ पैटर्न विद रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू ऑर्डर फोर सॉरी. आपने चार शेड करने और आपको सेम नज़र आना चाहिए, ठीक है ना. तो हम जरा नंबरिंग करते हैं. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4. अब आप ये देखो कि आपके पास कौन सा बॉक्स शेड नहीं है. थ्री शेड नहीं है, बाकी सब शेड है. इसका मतलब है ये टू वाला शेड होगा मेरे पास, ठीक है ना. थ्री शेड नहीं है लेकिन ये टू शेड होगा. ये तो हो गया मेरा बाहर वाला. अगर मैं अंदर को देखूँ तो अंदर ये वाला बॉक्स है, ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि अंदर के आपके दोनों बॉक्सेस कलर्ड होंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री उसने आपको फोर कहा हुआ है. फोर का मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली सेम शेप आपको चार दफ़ा नजर आना चाहिए. तो ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट वन, इन द डायग्राम फाइव स्मॉल स्क्वायर्स आर शेडेड, शेड वन मोर स्मॉल स्क्वायर सो दैट द डायग्राम हैज एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. आपने एक और शेड करना है और आपके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री है मेरे पास वो डायगनल से स्टार्ट करते हैं हमेशा. ये आ गई, इसका बॉक्स ये रहा, इसका बॉक्स ये रहा, तो इसका बॉक्स कहाँ है. इसका बॉक्स तो कलर करना है आपने, तो ये आपका एक बॉक्स शेड हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट वन, इन द डायग्राम थ्री स्मॉल स्क्वायर्स आर शेडेड, शेड वन मोर सो दैट द डायग्राम हैज रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर फोर. तो अब आप ऑब्जर्व कर लो कि हर जगह आपके पास थर्ड नंबर बॉक्स शेड होता नज़र आएगा. मैं नंबर भी डाल रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपके लिए समझना आसान हो. हर जगह थर्ड नंबर का बॉक्स शेड है, तो यहाँ पर ये शेड होगा, तो इसकी आपके पास ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फोर हो जाएगा. इट्स जून 2018 पेपर 11. द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ शेप विच सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन एल, कंप्लीट द शेप. ऑलराइट, अब देखें अगर ये आपकी सिमेट्री लाइन है तो ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका इधर आएगा, ठीक है. दूसरे पॉइंट को देखते हैं, ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, एक बॉक्स दूर है तो एक बॉक्स दूर यहाँ पर होगा, ठीक है. ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, एक बॉक्स है तो एक बॉक्स आ जाएगा. अब आपने इन सबको कनेक्ट करना है, तो ये वाला बॉक्स आपका ऐसे जाएगा, ठीक है ना. ये वाला आपके पास ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे कनेक्ट होगा और ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट होगा. ये आपका सिमेट्री कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वन, डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ शेप विच हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू अबाउट पॉइंट ओ, कंप्लीट द शेप. आपके पास जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो टू है, मतलब आपको ये सेम शेप दो दफ़ा नज़र आना चाहिए जब आप इसको रोटेट करोगे, ठीक है. अच्छा, अभी आप ये देखो कि ओ के ऊपर एक बॉक्स है और ओ के नीचे दो बॉक्सेज हैं. जब आपका ये सिमेट्री होगा तो उल्टा काम हो जाएगा, मतलब ओ के ऊपर दो बॉक्सेज होंगे और ओ के नीचे एक बॉक्स होगा. तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको रेक्टेंगल. इसका मतलब ये हो गया कि अब इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मेरे पास टू हो जाएगा. इट्स जून 2018 पेपर 1-2. ट्राइंगल ओ पी क्यू इज अ पार्ट ऑफ अ फिगर दैट हैज रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू अबाउट द पॉइंट ओ, कंप्लीट द फिगर. इस पॉइंट के अक्रॉस आपके पास इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री टू होना चाहिए. तो बेटा बहुत सिंपल है, इस लाइन को हम एक्सटेंड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है. अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा तो ये लाइन मेरे पास कुछ ऐसे आएगी, राइट. सो दैट पॉइंट इज क्यू डैश. और अगर मैं पी की लाइन को देखूँगा तो पी की लाइन मेरे पास कुछ ऐसे आएगी, दैट पॉइंट इज पी डैश. तो ये आपका शेप जो है वो सेम हो जाएगा और आपका सिमेट्रिक ऑर्डर इसका टू हो जाएगा. नेक्स्ट वन, डायग्राम शोज आ सर्कल इट सेंटर एंड टू कॉर्ड्स, एड वन कॉर्ड टू गिव आर डायग्राम दैट हैज रोटेशनल सिमेट्री दैट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ऑलराइट, तो आपने क्या बनाना है, आपने एक कॉर्ड बनानी है. अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम शेडिंग कर रहे थे, अब हमने यहाँ पर एक कॉर्ड बनानी है. और कॉर्ड ऐसी हो कि आपके पास सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाए. तो इसके लिए पहले मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन्स चाहिए होंगी ताकि आपको समझ में आने में आसानी हो जाए. तो बेटा पहला काम, तो एक काम ये करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले जो हमारी सिमेट्री की लाइन होगी. वो सिमेट्री की लाइन हमारी सेंटर से पास होनी चाहिए. ये होगी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है. ये आएगी, एक मिनट, थोड़ा और इसको एक्यूरेट बनाने की कोशिश करता हूँ. ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, सही है बेटा. तो अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इस लाइन के हिसाब से जो मेरी कॉर्ड बनी हुई है, मैंने ऐसी दूसरी कॉर्ड बनानी होगी ऐसे यहाँ पर, ये आपके पास आ जाएगा सिमेट्रिकल लाइन, ठीक है. ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट वन, नवंबर 19 पेपर 1-1.
In the diagram, three small squares are shaded. Shade one more to give a diagram that has exactly one line of symmetry. सिर्फ वन हो, एक से ज़्यादा ना हो. तो अब आपके पास यहाँ पर कहाँ शेडिंग हो सकती है और आपने सिर्फ एक बॉक्स को शेड करना है. ठीक है, चलें जी. मैंने कहा एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम बनाना शुरू करते हैं. यहाँ पर डायगनल में बनाते हैं. ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने बना दी. जब ये लाइन ऑफ सिमेट्री मैं बना रहा हूँ तो मेरे पास कहाँ कहाँ शेडिंग आएगी. अच्छा, उसने कहा है कि आपने एक को शेड करना है. ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता क्योंकि इस लाइन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से तो मेरे पास दो बॉक्स शेड करने पड़ेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है. तो अब हमारे पास कोई दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, हम उसको चेक करते हैं. कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल है. अब इस डायगनल को रख के आप चेक करें, इस डायगनल को रख के चेक करें. यहाँ से आपको नज़र आएगा कि देखें, ये यहाँ पर इसकी शेडिंग हुई, इसकी शेडिंग ये नज़र आ रही है मुझे, लेकिन इसकी शेडिंग कहाँ है. तो इसकी शेडिंग आपके पास बिल्कुल एंड पर आएगी, जो कि आपका ये वाला ट्राइंगल जो है वो शेड हो जाएगा. ये वाला पूरा ट्राइंगल आपका शेड होगा और ये आपका आंसर है. आप देखें, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है और शेप आपका सिमेट्रिकल हो गया अक्रॉस दिस लाइन. टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अगले पार्ट पे चलते हैं इसकी, 53 के पार्ट बी. इन द डायग्राम द थ्री ट्राइंगल्स एंड द सर्कल फॉर्म अ फिगर दैट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर थ्री. मतलब ये तीनों ट्राइंगल्स आपके एग्जैक्टली सेम है, ऑर्डर थ्री आ गया, फाइंड एक्स. अच्छा जी, एक्स आपके पास कैसे आएगा. अच्छा, मैं पहले मार्क करता हूँ कि यार अगर ये 88 होगा तो ये भी 88 होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, ये भी 88 होगा. अगर बाहर वाला एंगल वाई है तो ये भी वाई होगा और ये भी आपके पास वाई होगा. ठीक है, अब आपके पास क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है तो ये और ये लेंथ आपकी बराबर हो जाएंगी रेडियस की वजह से. ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि यार ये एंगल भी मेरे पास एक्स होगा. तो एक्स निकालना अब काफ़ी आसान हो गया हमारे लिए. हम कह सकते हैं दैट एक्स प्लस 88 इज इक्वल्स टू 180. सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पर, 2x इज इक्वल्स टू 180 में से अगर आपने 88 को माइनस किया तो क्या आंसर आएगा. 180 में से आपने 80 निकाला तो 100 में से आपने 8 और निकाला तो ये आएगा 92. और x का आंसर आ जाएगा 92 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 4 8 12 और 2 6 12. ये आपके x का आंसर आ गया. अब आते हैं y के ऊपर. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया था कि 88 क्या है और y क्या है. ठीक है ना बेटा, पूरा जो सर्कल होता है उसका एंगल क्या होता है, 360. तो उस 360 में हमारे पास क्या क्या है, हम ये कह सकते हैं फॉर वाई, यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ फॉर वाई. ठीक है, तो हमारे पास तीन वाई हैं और तीन हमारे पास एंगल हैं 88 वाले. इन सब का सम हमारे पास आएगा बेटा 360 डिग्री, क्योंकि हमारे पास जो कंप्लीट सर्कल होता है उसका सम हमारे पास होता है 360 का, टोटल एंगल इसको हम कहते हैं. ठीक है, अब आपने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है तो 3y प्लस 3 × 88 क्या हो जाएगा आपके पास, 3 × 8 = 24 इज इक्वल्स टू 360. 264 जाके माइनस किया आपने तो 360 में से आपने माइनस किया 264, इट इज़ 96 इज इक्वल्स टू 3y. और अब y इज इक्वल्स टू 3 जाके डिवाइड कर दिया, 3 3s are 9 एंड 3 2s are 6, तो y इज 32. ये आपका आंसर. इट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इट्स नवंबर 19 पेपर 1-2. डायग्राम शो द सर्कल इट सेंटर एंड टू कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ. अच्छा भाई, दो कॉर्ड्स हैं लेकिन दोनों की आपके पास इक्वल लेंथ है. डायग्राम हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ दिस लाइन ऑफ सिमेट्री. तो आपके पास सिमेट्री की लाइन सेंटर से पास होगी. अच्छा, कैसे पास होगी भाई, अब ज़रा देखते हैं. हमारे पास ऐसी एक लाइन बनेगी. अब ये आपने थोड़ा देख के ड्रॉ करना होगा कि आपको बज़ाहिर देख के डिस्टेंस जो है वो बराबर लगे, लेकिन सेंटर से गुजरना ज़रूरी है. तो ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी फर्स्ट पार्ट की. नेक्स्ट पार्ट, इन द डायग्राम टू स्मॉल ट्राइंगल्स आर शेडेड, शेड वन मोर टू गिव टू द सिमेट्री ऑफ ऑर्डर थ्री. अब आपने कितना शेड करना है बेटा, आपने तो खाली एक बॉक्स को शेड करना है, लेकिन इसका ऑर्डर आपके पास हो जाना चाहिए 3 का. अब वो एक बॉक्स आपका कहाँ जा रहा है, देखें, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. तो आपके पास जो शेड हुआ है वो नंबर 3 हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी शेडिंग यहाँ पर आएगी, ये मेरा शेडेड ट्राइंगल होगा और ये मेरा आंसर है. राइट, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. हमने दो वीडियोस में सिमेट्री के सारे पास्ट पेपर्स किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2002 से लेके हमने 2019 तक के सारे पास्ट पेपर सिमेट्री के कर लिए हैं. कोई भी प्रॉब्लम ना कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो इसमें, कोई सवाल समझ ना आए तो अपना कमेंट आप कर दीजिएगा. आई विल ट्राई के